देखिए, आने वाले जो त्यौहार है जिसके अंदर मुसलमानों की ईद है, हमारे हिंदू भाइयों का गणपति का एक बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, और ऐसे सूरत में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से जितने भी फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी त्यौहार आए थे, उसमें तमाम मज़हब के, तमाम धर्म समाज के लोगों ने पूरी तरह से सरकार का, प्रशासन का सहयोग दिया और बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस्टिवल्स को पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो प्रशासन के आदेश आते थे उसके हिसाब से सभी ने ताउन करके, उसके जिम्मेदारी समझते हुए सभी ने कॉपरेट किया है। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब तमाम लोगों को कोरोना वायरस क्या है, उसके ख़तरे क्या क्या हो सकते हैं, ये समझ में आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग खुद कर रहे हैं, मास्क खुद अपने तौर के ऊपर वो लगा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर अब ये जो ईद आई है, ईद उल अधा, उसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी है। वो गाइडलाइंस को अगर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो दीनी एतबार से जो शरायत होते हैं उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जैसा उसके अंदर ये बताया गया है कि आप ऑनलाइन जानवर खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन कौन सा छोटा सा शेतकरी है, किसान आदमी है, जिसके पास 2 जानवर है, वो 2 जानवर मार्केट के अंदर लेके आता है, लोग उसे खरीद कर लेके जाते हैं, वो कहाँ इतना टेक्नोलॉजी एडवांस है कि वो ऑनलाइन डालेगा, और ऑनलाइन लोग कहाँ इतने होशियार है कि वो ऑनलाइन जानवरों को खरीद सकते हैं। तो हमने ये एक तजवीज़ रखी है कि आज जितने भी औरंगाबाद शहर के जितने भी उलमाए कराम है, ये सभी उलमाए कराम आए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है, और उस राय के अंदर ये बात सामने आती है कि जानवरों का जो है, औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोग छोटे छोटे बाज़ार अलग अलग जगह के ऊपर लगाए ताकि भीड़ ना हो। और ये कानून के तहत नहीं, ये हम खुद जानते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी ये है कि भीड़ ना हो, इसका ख्याल हम खुद रखेंगे। दूसरा ये है कि रमज़ान की ईद जब आई तो ये कहा गया कि आप नमाज अपने घर में अदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने इतनी बड़ी जो रमज़ान की ईद आती है उसके अंदर सभी लोगों ने उसका पालन करते हुए अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ी है। लेकिन ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो आपको, आपने सारी चीज़ें खोल दिए हैं, आपने बाज़ार खोल दिए हैं, सारे दुकान कारोबार सब शुरू हो गए हैं, तो हमारी ये एक मांग है कि अब धार्मिक स्थल जो है, चाहे वो मस्जिदें हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, इसे भी खोल दिया जाए। आप कंडीशंस रख दीजिएगा, आप कंडीशंस बता दीजिएगा कि मस्जिद के अंदर इतने ही लोग नमाज के लिए जा सकते हैं, मंदिरों में इतने ही लोग जा सकते हैं, वो कंडीशंस को हर कोई फॉलो करेगा। और ये वायरस कब जाने वाला है किसे कोई बता नहीं सकता है, तो अब ये सबकी जिम्मेदारी ये है कि अब इस वायरस के साथ अपने एहतियात क्या क्या बरतते हुए हमको इसके साथ आगे बढ़ने का है। इस ताल्लुक से सभी उलमाए किराम ने अपने अपने राय मशवरे रखे हैं। सभी का ये कहना है कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह के अंदर अदा की जाए। अब ये एक प्रस्ताव आया है सोशल डिस्टेंसिंग पूरे कंडीशंस के साथ, जो जो गवर्नमेंट करेगी हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बात कह दी है जो दीनी एतबार से वो फिट नहीं होती है, तो वो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए अब ये तय हुआ है कि तमाम उलमाए कराम जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो पुलिस कमिश्नर साहब हो, डिविजनल कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, इनके साथ बैठ के अब ये त्यौहारों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है, हर मज़हब के त्यौहार आने वाले हैं, उसके लिए कौन सी इत्तेफाक राय से जो अच्छा कुछ फैसला हो सकता है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि मतलब आपके कंडीशंस ये हैं लेकिन दीनी एतबार से ये फिट नहीं होते हैं, तो उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, इंशाल्लाह निकालेंगे।